नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? योगेश दास। योगेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? घाटा बिल्लो जिला धार मध्य प्रदेश के। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सन 2012 में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? वही जो लोकवेद के आधार पर जो भक्ति साधना होती थी, ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी, और ज़्यादा दास ये शंकर भगवान और हनुमान जी की ज़्यादा भक्ति करता था, और जो भी देवी धाम है उन पर अधिकतर जाता था श्रद्धा के भाव से, जैसे पावागढ़ जाना, ओकारेश्वर मंदिर जाना, उज्जैन मंदिर जाना। ये भक्ति साधना करते करते हम बहुत दुखी रहते थे, किसी भी प्रकार का हमारे को कोई सुख नहीं मिला। मैं अधिकतर बीमार रहता था, मेरे को हर साल मतलब बरसात खत्म होने के बाद मैं बीमार पड़ता था, मेरे को निमोनिया होता था, जिससे मैं कंपनी जाता था उसमें हर महीने मतलब एक महीने मेरे को लगातार छुट्टी मारना पड़ती थी, और मैं डॉक्टर पास 15-20 हज़ार रुपये खर्च करता था, और शरीर का नुकसान तो इसमें होता ही था होता था। तो इन भक्ति से मेरे को कोई लाभ नहीं मिला ऐसा, और मेरे घर में भी मतलब अधिकतर प्रेत बाधा थी मम्मी को, वो प्रेत आत्मा परेशान करती थी अधिकतर, मतलब दिन रात को ऐसा समय ही नहीं था, मतलब उसका रात में अधिकतर ज़्यादा परेशान करती थी। और त्यौहार का समय तो मतलब कोई ऐसा समय जाता ही नहीं था, मतलब त्यौहार के मतलब उस दिन हम रोए ना हो, मतलब घर में कलेश न होता था, मतलब अच्छा व्यवहार खाना बनता था, उस टाइम सब मतलब फेंक देते थे हमारी मम्मी, उनको प्रेत आत्मा इतनी परेशान करती थी। और हमारे पिताजी मतलब बीमार रहते थे, उनको मतलब अधिकतर हमारा पैसा सब बीमारी में गया, पिताजी मास्टर थे, उनने पैसा कमाया पर अधिकतर सब बीमारी में खर्च हुआ। मेरी मिसेज भी मतलब अधिकतर बीमार रहती थी, उनको मतलब गले में गठान हो गई थी, तो अधिकतर हमारे इसमें सब बीमारी मतलब रहे भक्ति साधना से। सर, इन सब परेशानियों के बीच आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरे रिश्तेदार है राजू भगत जी है, राकेश दास भगत जी है, तिन्होंने मेरे को बताया कि मतलब वहाँ पर चलिए बरवाला आश्रम, वहाँ पे हमारा गुरु जी संत रामपाल जी महाराज है, उनका ज्ञान सुनिए और उनसे मतलब बहुत से लाभ मिलते हैं। तो मैंने बोला कि आप वहाँ जब जाए तो एक हफ्ते का मेरे को समय दे, क्योंकि मैं सेल्समैन का काम करता हूँ, तो मैं अपने ग्राहकों को बोल सकूँ कि मैं भैया एक हफ्ते काम पे नहीं आऊँगा, तो आप जो सामान लगे वो ले लेना। फिर उन्होंने मेरे को एक कार्ड दिया संत रामपाल जी महाराज का सत्संग कार्ड, तो उस कार्ड को बता बोला अपने इस तारीख को वहाँ पे चलना है, तो मैंने उनको राकेश दास जी को कि हम चलेंगे वहाँ पे, तो उसके बाद फिर दास जी वहाँ पे बरवाला आश्रम गया, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? मैं निमोनिया की बीमारी से परेशान रहता था, डॉक्टर पास इलाज कराने के बाद भी, बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी मैं हर साल बीमार पड़ता था, तो मैं बीमारी डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर इलाज कर देता था, 5-6 महीने मतलब इलाज चलता था उसका, फिर वापस ठीक हो जाता था, फिर वापस हर फिर बरसात हुई, फिर ड्यूटी जाने पे मैं गीला होता था, मेरे से निमोनिया होता था, तो हर साल यही चक्कर चलता रहा, मैं बीमार पड़ता रहा। जब मैं 8-10 साल से निमोनिया बीमारी से परेशान था, तो मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब जाके नाम दीक्षा ली और जो भक्ति सद्भक्ति साधना करी, उससे मेरे को ना डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ा, ना कोई दवाई गोली लेना पड़ी, और मेरी बीमारी आज ठीक है हो गई। मेरे जो घर पे प्रेत आत्मा मम्मी को जो परेशान करती थी, तो वो आत्मा त्यौहार के समय अधिकतर ज़्यादा परेशान करती थी, उस आत्मा का हमारे पिताजी ने अधिकतर जगह इलाज करवाया, जिसने जहाँ बताया वहाँ पे गए, मंदिर देवालय पीरों की दरगाह पे गए, सब दूर गए, वहाँ पर भी कोई राहत मतलब नहीं मिली हमें, हम अधिकतर दुखी रहते थे, घर में इतना कलेश रहता था कि हम ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाते थे, हमेशा घर में मारकूट होती थी, पिताजी मारते थे मम्मी को, क्योंकि वो परेशान इतना करते थे, पिताजी कब तक मतलब सहन करते इस बात को, तो कभी कभी उनके हाथ भी उठा देते उन पे वो। तो मेरी माताजी को जो 10-15 साल से मतलब जो प्रेत बाधा थी, वो जब संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश दिलाया उनको, तो वो प्रेत बाधा मालूम ही नहीं पड़ा कि कहाँ गए, उसके बाद आज 6-7 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए को, और प्रेत आत्मा का भी अभी तक मतलब उसका नामो निशान नहीं है कहाँ पे है, मतलब वो हम आज सुखी जीवन जी रहे हैं, आज मेरी माँ भी उनकी संत रामपाल जी महाराज जो सद्भक्ति बताते शास्त्रों के अनुसार वो कर रहे हैं, और मतलब सुखी है, मतलब आज मेरी मिसेस को जो गले में एक गठान हो गई थी यहाँ पे गठान, तो वो नस के नीचे थी, डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि नस के नीचे जो गठान है इसका ऑपरेशन बहुत रिस्की है, इसमें मतलब जान को खतरा भी है। तो जब ये मिसेस ने जब सुना तो वो मतलब एक दंग रह गई, मतलब कि अभी इसका इलाज कैसे करवाएंगे, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि इसको या तो फिर इलाज करते करते या ये गठान को पका के इस गली उसको यहाँ से ऊपर पक जाएगी, उसमें फिर चीरा लगा के मतलब वो ठीक हो सकती है। तो जब वो डॉक्टर इलाज करते रहे, हर महीने जाते थे, बुलाते थे, हर महीने जाते थे, जब 2-3 महीने बाद उसको इलाज बुला
पूरा हुआ, जब गठान मतलब पक के वो बाहर आई तो वो पकने के बाद फूट नहीं रही थी। भक्तमती को दर्द इतना हो रहा था कि मतलब उनके रातों को नींद मतलब नहीं आ पाती थी। तो वो जब संत रामपाल जी महाराज से जब वहाँ पर अरदास लगाई गई तो संत रामपाल जी ने वहाँ से बोला कि परमात्मा दया करेंगे। जैसे ही संत रामपाल जी के वहाँ से अरदास का उत्तर आया कि परमात्मा दया करेंगे, उसके 5 मिनट बाद ही वो गठान फूट गई। तो ये बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी बड़ी दया हुई कि वो गठान फूटने के बाद फिर भक्तमती की थोड़ा दर्द कम हुआ, गठान धीरे धीरे फूट के बचकर फिर इलाज किया गया डॉक्टर द्वारा। तो डॉक्टर ने आखिरी में फिर बोल दिया कि आपके ऊपर किसी एक ऐसी शक्ति का हाथ है जिसके कारण मतलब ये हो गया, नहीं तो ये मतलब बहुत एक असंभव जैसी बात थी, मतलब कि इसका मतलब आसान काम नहीं है कि गठान नस के नीचे थी, मतलब इसको पकना और फिर इसका मतलब फूटना और ये सब होना, ये मतलब किसी शक्ति है आपके साथ थी, मतलब उसी के चमत्कार से मतलब आपकी गठान ठीक हुई है, नहीं तो आपके कुछ भी हो सकता था इस आपके साथ में। और मेरी पत्नी संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति आज वो कर रहे हैं और आज बिल्कुल सुखी है और उनका गठान मतलब कुछ नहीं है। मेरे घर में अधिकतर बीमारी जो रहती थी, पिताजी बीमार रहते थे, माता जी को प्रेत आत्मा थी परेशान करती थी, मैं बीमार रहता था, भक्तमती बीमार रहती थी, बच्चे भी बीमार रहते थे। इससे हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि हम मतलब दूसरों से ब्याज में पैसा ले लेके डॉक्टरों से इलाज करवाते थे और ये पैसा बहुत खर्च होने के बाद भी हम मतलब सुखी नहीं थे। पर जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए आज हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक है, घर में परिवार में सुखी से रहते हैं और सभी मतलब सुखी जीवन जी रहे हैं और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से उनकी दीवारें दी गई सद्भक्ति शास्त्रों के अनुसार करके आज हम सुखी जीवन जी रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस प्रकार से मैं पहले जो अन्य पूजा करता था दुखी रहता था और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद सद्भक्ति शास्त्रों के अनुसार जब शुरू की तो मैं जो दुखी था मतलब तो आज मैं सुखी जीवन जी रहा हूँ। जिस प्रकार से उसी प्रकार से आप भी मतलब भक्ति साधना संत रामपाल जी द्वारा करेंगे, नाम दीक्षा लेकर करेंगे शास्त्रों अनुसार, तो आप भी मतलब सुखी जीवन जिएंगे और हर परेशानी की आपकी मतलब समस्या का हल होगा इसमें। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करें और अपना कल्याण करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग विभिन्न चैनल पर आते हैं, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर मोबाइल नंबर आते हैं, उन पर संपर्क करके नज़दीकी नामदान केंद्र से संपर्क करके आप नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।